राजकुमार राव फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनके साथ जानवी कपूर भी नजर आएंगी। इसे करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है। हाल ही में राजकुमार और जानवी ने करण जौहर के साथ बातचीत की। इस दौरान राजकुमार ने अपनी एक्टिंग जर्नी के बारे में करण को बताया। उन्होंने कहा कि एक फिल्म से उन्हें रातों रात निकाल दिया गया था और एक स्टार किड को कास्ट कर लिया गया था। साथ ही मुंबई में उनके शुरुआती दिनों में लोगों ने अलग अलग बॉलीवुड पार्टी में जाने की भी सलाह दी थी। वो कहते थे कि पार्टीज में जाओ, कॉन्टेक्ट बनाओ। करण जौहर राजकुमार और जानवी का इंटरव्यू ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, कुछ सक्सेसफुल लोग भी कहते हैं कि फलां स्टार किड की वजह से मुझे हटा दिया गया। वो लोग हेडलाइन बनाने के लिए इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो बोलते हैं, मैं पार्टी में नहीं गया तो रोल नहीं मिला। मैं कई पार्टीज में जाता हूँ, लेकिन मुझे तो आज तक नहीं पता चल पाया कि किन पार्टीज में काम मिलता है। इस पर करण को जवाब देते हुए राजकुमार राव ने कहा, जी हाँ, जब मैं नया नया मुंबई आया था तब मुझे लोगों ने कहा था कि तुम्हें पार्टीज में जाना होगा, कॉन्टेक्ट बनाने होंगे, लेकिन किसी पार्टी में जाकर ये कहना कि मैं कॉन्टेक्ट बनाने आया हूँ, ये अजीब है। हाँ, एक बार एक फिल्म के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया था, लेकिन फिर पता चला कि मुझे रातों रात हटा दिया गया, क्योंकि मेरी जगह एक ऐसे व्यक्ति को कास्ट किया गया था जो मशहूर इंसान और एक स्टार किड था। मुझे ये ठीक नहीं लगा। हालांकि वो फिल्म कभी बन नहीं पाई। उस समय वो एक इनसाइडर था, लेकिन इसी जगह कोई आउटसाइडर भी हो सकता है जो सक्सेसफुल होने के बाद आपके साथ ऐसा कर सकता है। ये कोई पहला मौका नहीं जब राजकुमार राव ने फिल्म से निकाले जाने की बात बताई है। इससे पहले वो एक पॉडकास्ट में भी इस पर बात कर चुके हैं। हालांकि राजकुमार का मानना है कि इन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत रिलीज हो चुकी है। उनकी इस कहानी को पर्दे पर उतारा है सांड की आग के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी ने। इसके अलावा राजकुमार राव जानवी कपूर के साथ मिस्टर और मिसेस माही में दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म 31 मई 2024 को रिलीज होगी। ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी शशांक ने। कैमरे के पीछे है आलोक, मैं हूँ अंजलि। ऐसी तमाम और खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।